हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल के पाठ दो टपका के अभ्यास का दूसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, पेज नंबर 10 पर यहाँ तक प्रश्न संख्या 4 पाठ से आगे में यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 5 भाषा की बात पर। इसमें है कै आधे का कमाल, जंगल में टपका उतर आया है। और अगला वाक्य देखो बच्चों, शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए। देखो यहाँ पर यह शब्द और यह शब्द, इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर सिर्फ आधे तय का अंतर है, यहाँ पर आधा तय नहीं है, यहाँ पर है। तो इसलिए कहा है आधे का कमाल की आधे अक्षर से ही कितना फर्क पड़ गया है ना, इन दोनों के अर्थ में उतर आया है। और यहाँ उत्तर, उत्तर क्या होता है? दिशा होती है। और उतर क्या होता है? नीचे उतर आना। तो यही लिखा है यहाँ पर भी कि इन वाक्यों में उतर का अर्थ है नीचे उतर आना और उत्तर का अर्थ है एक दिशा। दिशाएं होती है ना चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनमें से एक दिशा है उत्तर। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर अपने अगले पेज पर चलते हैं। बच्चों वाक्यों में प्रयोग करें। देखो बच्चों, पेज नंबर 11 पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका अर्थ बताना है और उन्हें वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे है पका, पका का अर्थ है क्या होता है? पका हुआ। जैसे मैंने लिखा है यह फल पका हुआ नहीं है। अगला देखो बच्चों, पक्का, पक्का का अर्थ होता है निश्चय, मतलब दृढ़ एकदम। और क्या लिखेंगे? मैंने वाक्य बनाया है मुझे उस पर पक्का विश्वास है। आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं अपनी तरफ से, वाक्य बनाकर देखना बच्चों। मिट्टी, मिट्टी का अर्थ होता है माटी, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगला है मिट्टी, मतलब खत्म हो जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग किया है मैंने यह रेखा नहीं मिटी। अब यहां से इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा मिट्टी का। अगला देखो कटा, कटा क्या होता है? कट जाना। जैसे बंदर की पूंछ कट गई थी ना, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे कटा शब्द को, पूंछ कटा बंदर जान बचाकर भागा। यह है कट्टा, सभी को मालूम होगा कट्टा क्या होता है, छोटी बोरी होती है कोई सामान ले जाने के लिए। अब देखो इसको वाक्य में प्रयोग किया, जैसे गेहूं का कट्टा यहां रख दो। अगला है गदा, गदा क्या होती है? एक शस्त्र होता है। शस्त्र क्या होता है बच्चों? शस्त्र और अस्त्र में भी अंतर होता है। शस्त्र तो होता है जो हाथ में लेकर चलाने वाला हो, और अस्त्र होता है जो फेंक कर मारा जाने वाला हो, ठीक है? तो गदा हाथ में लेकर यूज होती है, तो इसे शस्त्र कहेंगे। जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे इसको, भीम ने दुर्योधन पर अपनी गदा से वार किया। अगला देखो गद्दा, गद्दा का अर्थ होता है मोटा तोशक। और गद्दा तो वैसे आपको मालूम ही होगा, आपके लिए तोशक शब्द नया होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा है तोशक। मोटा तोशक होता है उसको गद्दा कहते हैं, या फिर आप लिखेंगे रूई से बना हुआ मुलायम बिछोना। अब देखो वाक्य में प्रयोग किया है कि चारपाई पर गद्दा बिछा दिया है। कुछ और भी आप यहां लिख सकते हैं वाक्य गद्दा शब्द का प्रयोग करके। अगला देखो, अगला है फटा, फटा क्या होता है बच्चों? फटा मतलब फटा हुआ। जैसे दुकान पर फटा हुआ नोट लेकर मत जाया करो। और फट्टा, देखो यहां जितने भी शब्द हैं बच्चों, यहां पर सिर्फ आधे अक्षर का ही फर्क आ रहा है। देखो पका था, यहां पर आधा क लग गया, यहां नहीं था, यहां आधा ट है साथ में ट के, और यहां पर नहीं है। यहां पर देखो इसमें भी यही फर्क है, यहां पर आधा ट लग गया है, ये जो शब्द था इसमें आधा ट और जोड़ दिया, तो इसका मीनिंग देखो कैसे बदल गया है। यही फर्क इसमें है गदा और यह है गद्दा, और यही फर्क इन दोनों में है, यह है फटा और यहां है फट्टा। यहां पर भी आधा ट
ऐड हो गया। देखो इस शब्द में आधा ट जोड़ने पर शब्द का मीनिंग कैसे बदल गया है। देखो फट्टा का क्या अर्थ है, फट्टा का अर्थ होता है लकड़ी का टुकड़ा। देखो अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि लकड़ी का फट्टा यहां मत रखो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं फिर फट्टा मत यहां मत रखो, ओनली फट्टा यूज कर सकते हो आप। अब अगला देखो खै, पांचवे का ही खै है यह है, ठीक है। यहां पर है ए की मात्रा, दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे, फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। देखो यहां पर फल और यहां फैल, ठीक है। देखो क्या अंतर आया इसमें, यहां पर मात्रा ऐड हो गई है फल शब्द में, जब ए की मात्रा ऐड हो गई तो क्या मीनिंग आ गया, इसका मीनिंग बदल गया। अब देखो क्या लिखा है कि इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, फल पर ए की मात्रा लगने से नया शब्द फैल बन गया है। आप भी इन शब्दों में ए की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं व लिखें। तो देखो नीचे जो शब्द है यहां है बल, और यहां देखो ए की मात्रा ऐड हो गई है, क्या बन गया बैल। सर ए की मात्रा ऐड हो गई, क्या बन गया सैर। यहां पर मात्रा ऐड करने पे क्या बन गया पैर, तर, और मात्रा ऐड करने पे बन गया तैर। इसी तरीके से गर, गैर, मल, मैल, खर, खैर और मना, मैना। देखो बच्चों कितना फर्क आ जाता है ना, थोड़ा सा भी चेंज होने पर शब्द के अर्थ में। अब देखो गै, पांचवे का गै है वो करते हैं। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है, देखो ये बिंदी लगी है ना, इसे अनुस्वार कहते हैं, और यह है हंस। हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है, इसे अनुनासिक कहते हैं, जिसे आप चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचानो, देखो बोल के देखो, यह है हंस और यह है हंस, फर्क है ना दोनों में, दोनों की ध्वनियों में फर्क है। चलो अगले पेज पर चलते हैं। देखो बच्चों पेज नंबर 12 पर लिखा है, अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाएं। देखो जैसे ये क्या है, चांद है, इसको चांद नहीं कहेंगे, चांद, ठीक है। बोलने में फर्क देखो आप किस तरीके से बोला जाएगा, चांद और चांद, चांद नहीं होता ना, चांद होगा तो ये लगेगी और चांद होगा तो यह लगेगा। तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, अनुनासिक लगाएंगे इसमें, और देखो हंस होता है या हंस होता है, हंस तो हंसना होता है, यह क्या है हंस है, तो इसमें क्या लगाएंगे अनुस्वार। यह देखो बंदर होता है, बंदर, तो क्या लगेगा अनुस्वार लगेगा। बांस नहीं होता, बांस होता है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा अनुनासिक लगेगा, बांस, ठीक है। बच्चों बोल कर देखो, बोलने से फर्क पता लगेगा और आपको पता लगेगा कि यहां पर अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा। अब ये देखो क्या होता है, पंखा, पंखा नहीं होता, पंखा होता है, ठीक है। और ये है देखो क्या होता है, पांच, पंच नहीं होता, पांच होता है, पांच। और यह है पूंछ, पूंछ नहीं होती, क्या होता है पूंछ बोलते हैं, पूंछ नहीं बोलते। यह देखो क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे कंचा, कंचा नहीं कंचा, कंचा, ठीक है बच्चों। देखो अब अगला घ, शेर ने गहरी सांस ली, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो बच्चों देखो इनमें किस किस शब्द के साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। देखो पहाड़ी, गहरी पहाड़ी हो सकता है, बताओ क्या पहाड़ी गहरी होती है, नहीं होती ना, पहाड़ी ऊंची हो सकती है, तो यह नहीं होगा। देखो नदी, क्या नदी गहरी हो सकती है, हो सकती है, तो इस पर गोला लगाएंगे। खाई,
गहरी खाई होती है, इसके साथ लगा सकते हैं ना गहरी शब्द, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। बारिश, क्या बारिश गहरी हो सकती है? नहीं, इस पर गोला नहीं लगाएंगे। डाली, गहरी डाली नहीं हो सकता ना। अब देखो गहरी दोस्ती हो सकता है, होता भी है, तो इस पर गोला लगाएंगे। नींद, गहरी नींद यह भी ठीक है, गोला लगाएंगे। गहरी हवा नहीं होता, नहीं लगाएंगे। गहरी दीवार नहीं होता, गहरी छाया भी नहीं होता, तो इन पर भी गोला नहीं लगाएंगे। अगला देखो बेटा छह, यह भी करें। इसमें देखो लुका छिपी, कुम्हार बरगद की खोह में छिप गया। लुका छिपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो? जहां जहां आप छिपते हो आपको यहाँ नीचे लिखना है। देखो बच्चों कुछ मैंने लिखे हैं, जहां जहां आप हो सकता है यहाँ छिपते होंगे। देखो बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, पेड़ के पीछे, सोफे के पीछे, दरवाजे के पीछे और चारपाई के नीचे। और भी जिस जिस जगह आप छुपते हैं लुका छिपी के खेल में, वह आपको यहाँ लिखने हैं। आपको अपनी मर्जी से लिखने हैं, ये नहीं कि आपको यही वाले लिखने हैं। जहां जहां आप छिपते हैं वही जगह आपको यहाँ लिखनी है। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास पूरा हो चुका है, बड़े अच्छे से समझ समझ कर आप इसे करेंगे। और हाँ, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे और साफ साफ लिखेंगे भी। और बच्चों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।